हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 1.5 इंच छोड़कर ऊपर से बेल्ट और 33 लेंथ मैंने ले ली है, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। और यहाँ से मैंने राउंड वेस्ट का 4+2 किया है, 32 का चौथा और 2+ करके 10। और यहाँ पर हम स्क्रोच लाइन लेंगे, यानी कि आसन सीट लेंथ। तो यहाँ से देखिए, मैंने मेरा चौथा करके हिप का 34 के हिसाब से 8.5, और 1.5 इंच आप प्लस करेंगे तो आपका 10 इंच के करीब आएगा। तो मैंने 10 इंच का आसन लिया है, और यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। तो ये देखिए, मेरा ये 10 इंच का आ रहा है। 1.5 इंच छोड़ने के बाद आपका 10 इंच के करीब आना चाहिए। और ये देखिए, ऊपर आपने जितना 10 आ रहा था, ये उतना ही लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि हमें इसको स्ट्रेट मिलाना है, और देन फिर हम इसमें हम जो आप मियानी लेते हैं, हम उसको लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ से 2.5 इंच की मियानी ले रही हूँ। आप अगर कम लेना चाहते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग आप देख कर लीजिएगा। 2.5 बहुत ठीक होता है, और अगर आप कम लेंगे तो आपका पैंट खींचेगा पहनने पर। तो देखिए, और इसको जो आप कर्व देते हैं, ये बहुत ही नॉर्मली देते हैं। और यहाँ से देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि 13 जो आपका है, मेरा ये पूरा मियानी से लेकर पूरा वहाँ तक, इसका सेंटर लेंगे। 6.5 है, तो 6.5-6 का आप पूरा नीचे तक, जहाँ आपने फुल लेंथ लगाई थी वहाँ तक आप ऐसे मिला लेंगे। देखिए, इस तरीके से आप मिलाकर आप स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट लाइन ले लें। देखिए, मैंने इस तरीके से इसको कर लिया है पूरा, और मैंने लास्ट में भी एक निशान लगा लिया था बॉटम पर, मैंने इस तरीके से ले लिया। और मैं स्केल की सहायता से स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, तो आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ले लें अपनी। और अब हमें क्या करना है कि जो बॉटम है वो 11 है, तो उसका बॉटम का हाफ़ करेंगे। मैंने 12 के हिसाब से किया है, तो जैसे आपका 11 है, मैंने 12 लिया है, तो 12 के हिसाब से आपका 6 आता है। तो आपका सेंटर लाइन से आपका 3 इधर और 3 इधर करेंगे हम। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा लाइन है, उसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम मिला लेंगे। इस तरीके से आप इसको मिलाएंगे, और बहुत ही स्मूथ तरीके से और बहुत ही आराम से आप मिलाएंगे इसको। और सेम पीछे वाला जो आपका फैब्रिक है, उसको भी हम इसी तरीके से मिलाएंगे। देखिए, मैंने वहाँ से 1 इंच का निशान मैंने लगाने के बाद, और देखिए, हमने इस तरीके से मिलाया था, तो स्केल को पलट देंगे उस साइड मिलाने के लिए इस तरीके से। और ये ऐसे पलट कर, और फिर जहाँ आपने 3 इंच लिया था बॉटम का, उधर वाला पार्ट, उधर वाले हिस्से पे, वैसे हम उसको मिला देंगे चौक से। और फ्रेंड्स, हम जो इसकी कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल जिस मार्जिन पे कट आपने निशान लगाया, उसी मार्जिन पे करेंगे। यहाँ देखिए, हम प्लीट डालने के लिए मैंने निशान लगाया, प्लीट या आप डार्ट डालना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी निशान लगा लेंगे। 10 इंच है आपका, तो 10 का आपका आधा 5 आएगा, तो मैंने वहाँ पर नोचेस लगा लिया। और पॉकेट, फ्रेंड्स, मैं अभी मैं स्टिचिंग जब करूँगी तो मैं आपको पॉकेट सही से समझा दूँगी। और ये देखिए, 4 इंच की आपकी डार्ट का लेंथ है। और देखिए, हम इसको ऐसे करके कट करेंगे। आप बिल्कुल भी मार्जिन ना लें, जिस लाइन पे आपने चॉक से मार्किंग करी है, आप उसी पे बिल्कुल कट करें, क्योंकि आपका जितना भी हम लोग ऐड किए हैं 2 इंच 1.5 इंच, वो आपका मार्जिन के साथ है। तो देखिए, इस तरीके से आप इसको पूरा कट करते जाएंगे एंड तक। और नीचे आप अगर मार्जिन लेना चाहते हैं तो आप ले लेना, क्योंकि मैंने तो ये लाइनिंग कट की है, तो और मैं एक टाफ्टे पे बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पहले लाइनिंग कट करके ही दिखाए हैं। तो देखिए, ये हो चुका है, ये आपका आगे का 2 पीस निकलता है इस तरीके से, आपके 2 पीसेस निकलते हैं आगे आगे के, देखिए। और आप कट लगा लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ, जहाँ पर आपको डार्ट लगानी है, जहाँ पर आपको फिटिंग लगानी है, आप वहाँ पर भी कट लगा सकते हैं, इससे ईजी होता है फिटिंग करना। तो इस तरीके से हो जाएगा, देखिए हो चुका है। और देखिए, हमारे 2 पीसेज हैं, ये आगे आगे के हैं। और अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा पीछे का है, हम उसको रेडी करेंगे। देखिए, पीछे का मैंने 2 इंच के करीब नीचे लेकर आ गई हूँ मैं कपड़े से, और फिर मैंने लेंथ ली है। देखिए, हम यहाँ पर जहाँ आपकी मियानी है, जहाँ आपने आगे में 2.5 इंच लिया था, और वहीं से आप पीछे से स्टार्ट करेंगे 3 इंच की मियानी इस तरीके से। और देखिए, मैंने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से आपको 2 इंच ऊपर लेकर जाना है और तिरछी लाइन बना देनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ से कम 1.5 इंच के करीब बढ़ाया है और तिरछी लाइन को ऐसे मिला दिया है। तो आपका ये पीछे का तिरछा, क्योंकि हम स्ट्रेट नहीं लेते,
और अलग से पट्टी आप पीछे में भी लगाएंगे और अलग से बेल्ट आपकी जैसे आगे लग रही है वैसे पीछे के लिए भी आप पट्टी लगाकर और फिर इलास्टिक डालेंगे। देखिए नीचे के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने ये देखिए मैंने जॉइंट लगा रही हूँ, तो ये देखिए क्योंकि मेरी लाइनिंग है 1.5 इंच और 1.5 इंच का। फ्रेंड्स आप इससे कम लेना चाहते हैं अगर 1 इंच का तो उतना भी आप ले सकते हैं, वो भी आपका ठीक साइज़ आता है। तो ये लेकर हम क्या करेंगे स्केल से हम जैसे आपने उसमें मिलाया था उसी तरीके से सेम हम इसको भी क्या करेंगे मिला लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको पूरा मिला लें नीचे तक और उसके बाद फ्रेंड्स इसको कट कर दे जैसे आपने इसको कट किया था। और फ्रेंड्स मियानी पे आप 3 इंच एक्स्ट्रा लेना ना भूलें पीछे वाले पल्ले में। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा साइड है, साइड तो फ्रेंड्स फिक्स रहता है, साइड में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा उसी के जैसा। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है, ये मेरा कट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि इसके आप 2 पीसेस काट लें जिस भी आप फैब्रिक पे बनाना चाहते हैं, 2 आगे के और 2 पीछे के, इस तरीके से आप इसको बना लें। देखिए ये हो चुका है डन। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमने निकाला था ये हमारे 2 पीस हैं, अब आप इसको इसी तरीके से आप कपड़े इस साइड वाले जो कट है उसको भी आप इस तरीके से काट लें एकदम इसी के साइड साइड में इस तरीके से देखिए और पूरा एंड तक। और इस पे भी चाहें तो आप निशान अपना लगा सकते हैं आराम से। तो ये देखिए आपका कट आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और देखिए वहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मैंने देखिए 2 इंच ऊपर किया था, ऐसे तिरछा मिलाया था, अब इसी तरीके से पीछे का कट करें। और यहाँ पर मैंने पॉकेट का जो निशान लगाया था मैंने उसको कट किया है। जी देखिए हो चुका है मेरा। और अभी हम क्या करेंगे तो ये देखें कट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी एक जो पॉकेट है एक साइड में लगा रही हूँ उसकी मैं कटिंग बता रही हूँ। तो देखिए हम 12 इंच की लेंथ लेंगे और यहाँ से कम आपका 5 इंच या 6 इंच आना चाहिए, इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। और ये स्ट्रेट लाइन लेने का और हल्का सा कर्व देकर पॉकेट की हम शेप को कट करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कट कर लें। मैं एक सिंगल ही लगा रही हूँ एक ही साइड राइट साइड पर। देखिए ये मेरा पॉकेट कट हो चुका है, ये मैंने इसे टाफ्टा पे भी रेडी कर लिया है पीसेस को काट काट के जो मैंने लाइनिंग कट करी थी आपके सामने। देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे आसन है दोनों हम उसको पहले सिलेंगे, आगे के आसन के दोनों और पीछे के दोनों आसन को हम सिलकर अलग कर लेंगे। तो आप ऐसे इस तरीके से दोनों आसनों को सिल लें, आप आधा इंच के करीब कपड़ा दबाएँ, इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं जितना आप सिलने में दबाते हैं। और इसको बहुत ही आराम से सिलें, ये देखिए इस तरीके से आप इसको पूरा एंड कर लें। और पक्का करना चाहते हैं तो पक्का भी आप कर सकते हैं। देखिए हो चुका है। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे जो हमने पॉकेट लगानी है वो पॉकेट लगाएंगे इस साइड में राइट साइड में 1 इंच देखिए। और यहाँ से मैं 5.5 इंच पे ओपन कर रही हूँ, ये देखिए 5.5 लगा लिया। और सेम यही निशान आपका पॉकेट पर आपको लगाना है, देखिए 1 इंच और यहाँ से 5.5। तो यही था फ्रेंड्स मैंने पॉकेट आपको वहाँ बताई थी। यहाँ देखिए आधा इंच पे निशान लगाना है और उतना ही सिलना है सेम स्क्वायर करके जैसे शेप आपकी बन रही है। ये देखिए मैंने वहाँ से सिल लिया है और सीधे नीचे आएंगे हम। और नीचे आकर हम वहाँ जहाँ आपकी पॉकेट का लेंथ आ रहा है 5.5, वहाँ से ऐसे टर्न होकर स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और उसको कट करेंगे। अब हम ये देखिए हो चुका है, इसको कट करेंगे कोने से। देखिए मैंने निशान लगाया है, इसको कट कर हम क्या करेंगे टर्न कर देंगे। देखिए मैंने एक कट कर लिया, यहाँ से भी मैंने कट कर लिया। और अब मैं क्या कर रहे हैं इसके अंदर का तो जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा है ताकि अच्छे से फोल्ड हो आपका, इस वजह से मैंने काट दिया है। तो देखिए सेम वही शेप जो आपकी आनी चाहिए वो सेम आएगी आपके सिलने के बाद भी। देखिए ये हो चुका है आपका। और इसको क्या करेंगे आप आयरन कर लें, प्रेस अच्छे से सेट कर लें। देखिए मैंने कर लिया है और इस पर एक पैर का निशान, एक पैर की सिलाई जो है आप एक पैर का निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक पैर का सिलाई आप पूरा एंड तक लगा लें। और इसको आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपकी पॉकेट को हम कैसे स्टिच करके सेट करेंगे। ये देखिए हो चुका है डन। और अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि जो हमारा पॉकेट है उसको हमें पलट कर थोड़ा सा सिलना होता है, तो उसको देखेंगे। ये देखिए हो चुका है, ये देखिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। ये आप इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो हम पहले इसको सिल लेते हैं।
इस तरीके से इसको सिलेंगे हम, और बहुत ही आराम से सिलिएगा इसको ताकि ये अंदर को आपका पलट जाए। देखिए मैंने यहाँ से पकड़कर और मैं थोड़ा ही दूर, मैंने लास्ट में जाकर थोड़ा दूर छोड़ देना है ताकि जब आपका कपड़ा सिले तो सिल जाए अच्छे से। ये देखिए जब आप पीछे वाले पैंट के कपड़े को जब सिलेंगे, इसलिए देखो मैं यहीं तक स्टॉप कर दिया, मैंने यहाँ ओपन छोड़ दिया था हल्का सा। और देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने फ्रंट साइड से वो किया था, ये आपका पूरा बैक साइड में अंदर को पलट जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इस पर एक पैर की सिलाई, दाबने वाली सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आप इस पर दाबने वाली सिलाई लगा दें, देखिए इस तरीके से आप इस पर दाबने वाली सिलाई पूरी एंड तक लगा देंगे, इस तरीके से लगा देंगे पूरी जहाँ तक आपने सिल रखी थी। ये हमारा देखिए डन होने वाला है, ये देखिए यहाँ से आप यहाँ तक पूरी सिलाई और बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही इजी था पॉकेट को कैसे बंद करना है। और अब हम क्या करेंगे, इसे जैसे हमने सिला था इसको इस तरीके से हम पलट देंगे। तो ये कि हमारा सेट हो चुका है, आप पील लगाकर इसको सेट कर लें या आप कच्चा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा डन हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हम डार्ट लगा रहे हैं वो, मैं इसमें डार्ट नहीं लगा रही, मैं प्लीट डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने प्लीट के हिसाब से इसके कपड़े को फोल्ड कर लिया और पिनअप कर लिया है। ये हो चुका है मेरा, और इस साइड भी आप सेम उसी तरीके से कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, प्लीट डालने के बाद या आप डार्ट डाल रहे हैं तो अपने डार्ट को डालने के बाद हम 1.5 इंच बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये आप पहले इस प्लीट डालने के बाद इसकी जो ऊपर की कमर है आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। मैंने नाप लिया है और एक जो मेरी 1.5 इंच की पट्टी आ रही है मैंने उसको चिपका भी लिया है। और देखिए मैंने इस तरीके से लिया है कपड़े को, जो बेल्ट है मैंने उसको सीधा ही काटा है। देखिए एकदम बराबर रखना है इस कपड़े को और इसको हम सिल देंगे। बैक से सिलेगा, बैक से सिलकर हमें फ्रंट पे लाना है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें बैक से सिलते हुए फ्रंट की साइड लाना है, क्योंकि हमारा जो फिनिशिंग साइड है वो फ्रंट है, तो हमें फ्रंट पे ही लाना है इसको सिलते हुए। आप इसको बड़े ही पेशेंस के साथ आराम से सिलें। आप फ्रेंड्स इस पर आप पैंट में कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉकेट आपका कॉटन आता है, रियोन तो आपका काफ़ी वो हो जाता है फैलने वाला भी, तो उसमें तो आपकी इतनी अच्छी पैंट नहीं बनती, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बन सकती है। लूज ही होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है उसका, तो आप बना सकते हैं। देखिए हमने बैक से फ्रंट पे सिल लिया और इसको हम ऐसे रखेंगे और सिल देंगे इसके ऊपर रखकर, जितना भी आपका जहाँ तक भी आपका बेल्ट आ रहा है इस तरीके से आप इसको पूरा एंड तक इसको आप सिल दें। तो देखिए मैंने इसको बहुत ही आराम से सिल दिया है, मैंने प्लीट लगाई है। फ्रेंड्स आप डार्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरीके से आप इसको सिल लेंगे। और फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे का पल्ला है उसको भी हम, मैंने बोला था कि आपको आसन उसका पहले सिलना है, तो आप उसका आसन पहले पूरा सिल लें जिस तरीके से आपने आगे वाले को सिला था। तो देखिए मैंने इसके आसन को भी मैं सिल रही हूँ और मैंने सिल कर इसको आप कंप्लीट कर लें, तो मैंने कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको लगाने से पहले हमें पीछे वाले की भी जो मैंने बोली थी अलग से हम पट्टी लगाएं, क्योंकि हमने तिरछा कट किया था, तो इसके हिसाब से मैंने पट्टी काट ली है 4 इंच चौड़ी, देखिए नाप कर। और इसको सेम हम बैक साइड से सिलते हुए फ्रंट पे लेकर आएंगे। ये देखिए हमारा डन हो गया है और इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए इस साइड से, ये देखिए इस तरीके से रख कर इसको आप पूरा सिलते जाएंगे एंड तक। और फ्रेंड्स मैंने इसमें ज़्यादा चौड़ी वाली जो प्लास्टिक है उतनी नहीं डाली, मैंने जितनी चौड़ी डाली उतने ही चौड़ी इसको फोल्ड किया है उतने ही हिसाब से, तो आप उतने ही फोल्ड करें। ये देखिए इस तरीके से इसको सिलें, क्योंकि आपका ये, मैंने आपको याद होगा कि हमने पीछे का जो काटे थे ऊपर से मैंने 2 इंच ऊपर बढ़ाकर थोड़ा सा तिरछा लिया था, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये आपका कंफर्टेबल होता है, आराम से आप इस पे बैठ इसमें आप बैठ भी सकते हैं और आपका बैक साइड से कुछ आपका एक्सपोज भी नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको सिल लें, पूरा पलट लें और इसमें फिर हम लास्टिक को डाल लेंगे। आप ये जो सेफ्टी पिन आती है आप उससे लास्टिक डाल लेंगे इसमें और एंड तक इसको पूरा सिल लेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से सिल लिया इसको,
और इसमें आप लास्टिक डालकर इसको पूरा रेडी कर लें। और लास्टिक के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो आपका जितना आपका वेस्ट था उसका हाफ करके 4 इंच माइनस करके लेंगे। तो मैंने आपका 12 इंच के करीब लिया है क्योंकि 16 है। ये देखिए मैंने लास्टिक डालकर रेडी कर लिया। अब दोनों कमर से हम लेकर पूरा एंड तक सिल देंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स आप अपनी फिटिंग को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी फ़िटिंग ठीक नहीं तो और ज़्यादा भी सिलाई आप उसमें दबा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए मैं इस तरीके से सिलूँगी। और फ्रेंड्स आपको याद होगा वहाँ हमारी पॉकेट लगी है, तो पॉकेट के हिसाब से आप एक बार निशान लगा लेंगे कि आपको पॉकेट को बंद नहीं करना है, उसको बहुत ही ध्यान से देखते हुए आपको सिलना है। तो देखिए ये हम इसको इस तरीके से पूरा सिलते हुए जाएंगे। इस तरीके से आप इसको पूरा एंड तक सिल लें और सेम इस तरीके से आप दूसरे वाले साइड से भी आप इसको सिल लें। ये देखिए आप सिल लें इसको अच्छे से और बहुत ही आराम से सिलें। ये देखिए फ्रेंड्स आप इसमें अगर कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सोवर बनाया है क्योंकि जो ऊपर का कुर्ती है वो ऑलरेडी हैवी है, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे इसमें करना चाहिए। बल्कि अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी एडिटिंग आप खुद कर सकते हैं, अपनी वेरिएशन आप खुद कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए ये डन हो चुका है हमारा। और इसको बिठाने के लिए प्रेस लगा लेंगे और इस साइड भी फ्रेंड्स आप कर लेंगे, मैंने कर लिया है। और देखिए मैं फिटिंग लगा रही हूँ, तो फिटिंग आपकी जितनी सिलने के बाद आपकी आ रही है आप बॉटम नाप लेंगे 6 इंच आपका कहाँ आ रहा है और उतने ही पे आप इसकी फिटिंग को देंगे। तो ये देखिए आप फिटिंग देंगे और इस तरीके से इसको आप सिलेंगे। इस तरीके से आप इसको पूरा सिलते जाएंगे आपका एंड तक, जहाँ तक आपका सिलाई जैसे आप देते हैं किसी पजामे में या प्लाजो में, उस तरीके से इसकी क्या करेंगे आप पैंट की पूरी फिटिंग कर देंगे। तो ये देखिए आप इसको फिटिंग इस तरीके से करते हुए जाएंगे आराम से। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने फिटिंग के हिसाब से अपनी सिलाई को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कपड़े थोड़ा सा और आगे पीछे करके सिलना चाहिए तो आप सिल सकते हैं जैसे कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ। क्योंकि होता है कि सिलते सिलते आपके कपड़े थोड़े से कहीं से आगे पीछे हो जाते हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप जैसे मैंने कपड़ों को बराबर रखते हुए करा है, आप इसी तरीके से आप अपने इस पूरे फिटिंग को सिलते जाएं कपड़े को, देखिए इस तरीके से। और देखिए ये मेरा डन हो चुका है। और नीचे का आप अपने हिसाब से जितना फोल्ड चाहते हैं, जितनी चौड़ी पट्टी चाहते हैं आप उतना आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है और इसको भी मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आप फोल्ड करके इसको पूरा फिटिंग कर दें। फ्रेंड्स ये पैंट आपकी बहुत अच्छी बनी है, ना ज़्यादा लूज़ है ना ज़्यादा टाइट है, बहुत ही कंफर्टेबल पैंट है आपकी। इस तरीके से आप